आपको खुद मालूम है कि इमाम खुमैनी अल्लाहिर रहमा की जात कितनी एक अजीम शख्सियत इमाम खुमैनी की थी, कितनी कामयाबियां दुनिया और आखरत की इमाम खुमैनी ने हासिल की और इस्लाम का कैसा अहिया किया। यकीनन उसके साथ उनकी वो तमाम अमल की दुनिया के आदमी थे, प्रैक्टिकली हर चीज किया करते थे, लेकिन उसके साथ साथ दुआओं का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ा था। कौन आखिर इमाम खुमैनी ने इतनी अजीम कामयाबियां कैसे हासिल की और हम भी किसी परसेंटेज में ऐसी कोई अजीम कामयाबियां हासिल कर सकते हैं अब जो भी हमारी फील्ड है जिसमें भी हम आगे जाना चाहते हैं, दुनिया की भी कामयाबियां हमें मिल जाए, आखरत की भी कामयाबियां हमें मिल जाए। तो जिस वक्त इमाम खुमैनी अलैहि रहमा की उम्र फकत 30 साल थी, 30 साल बिल्कुल जवान थे, उस वक्त इमाम खुमैनी जैसे कि दीगर उलमा का भी एक तरीकेकार होता है, दीगर उलमा का भी तरीकेकार होता है कि अपने से जो बुजुर्ग उलमा होते हैं उनकी उनके पास कुछ लाहे अमल लेने के लिए जाते हैं। तो इमाम खुमैनी भी आयतुल्ला शेख हसन अली नखुदर की इस्फहानी इनके पास जाते थे कि आप मुझे कोई ऐसे आमाल बताएं कि जिससे मेरी रूहानियत मजबूत हो और बहुत सारी इस तरह की चीजें। आयतुल्ला शेख हसन अली नखुदर की इस्फहानी ये मर्जे भी थे और बहुत ही आलिम आरिफ शख्सियत थे। इमाम खुमैनी से इनकी मुलाकात मशहद में हुई, ये आयतुल्ला शेख हसन अली नखुदर की इस्फहानी की खबरें मुबारक है। और इमाम खुमैनी इनके पास गए और इनसे कहा कि आप मुझे इल्म कीमिया जो है वो सिखाएं। इल्म कीमिया, देखिए इल्म कीमिया एक ऐसा एक इल्म है कि समझें कि इंसान उस इल्म को अगर हासिल कर ले तो खाक को भी सोने में तब्दील कर सकता है और ना जाने कौन कौन सी ताकतें उसके पास आ जाती हैं। अच्छा, खुद आयतुल्ला नखुदर की इस कहानी की बहुत सारी करामात हैं जो कि करामातुल औलिया के नाम से एक कुछ तो किताबें हमारे बिरादराने अहले सुन्नत की इसी नाम से लिखी गई हैं। लेकिन शहीद शिराजी सानी उनकी जो किताब है मिन करामातिल औलिया उसमें भी इनका काफी तस्करा है शेख हसन अली नखुदकी का। ये अपने तवील रुकू करने में इंतहाई शोहरत रखती, मामूली बात नहीं कि पूरी पूरी रात इस तरह से आयतुल्ला हसन अली नखुदर की इस्फहानी इबादत में पूरी रात ऐसी गुजारते थे रुकू में कि छत पे जाकर बर्फबारी हो रही थी, जब सुबह लोग पहुंचते थे तो देखते थे कमर उनकी पूरी बर्फ से ढक चुकी होती थी, इस तरह से रुकू किया करते। एक तो रुकू खुद आयतुल्ला हसन अली नखुदर की बहुत मशहूर है, इसी तरह से अवैसे करनी के रुकू और सजदे बहुत मशहूर है। वो भी अवैसे करनी करार देते थे कि आज की पूरी रात रुकू की रात है, पूरी रात रुकू में गुजारते थे, आज की पूरी रात सिजदे की रात है और पूरी रात सिजदे में गुजार देते थे। बड़ी अजीब और गरीब शख्सियत थी अवैसे करनी की। और ईरान में भी इनसे मंसूब एक जगह है अवैसे करनी से, और इसके अलावा यमन में ये जगह यह अवैसे करनी की रिहाइशगाह के तौर पर शोहरत रखती। अच्छा, खुद मुजल्ला एक बाकायदा निकलता है ईरान से जिसका नाम है हौजा, बाकायदा एक रिसाला निकलता है, इसका जो 58वां नंबर 58 उसमें ये बात लिखी है कि आयतुल्ला शेख हसन अली नखुदर की इस कहानी ये अमूरे बातनिया के अंदर ये कहां से गाइडेंस और ये ताकत कहां से हासिल करते थे कि इतने आलिम आरिफ हो गए और कि इमाम खुमैनी इनके पास जाते थे कि लाहे अमल हमें बताइए। तो उमूर बातनिया में आयतुल्ला नखुदकी हजरत कुमैल इब्ने ज़ियाद सकफी की रूह से इर्तबात और तवस्सुल करके मदद को हासिल करते थे। ये इराक में हजरत कुमैल इब्ने ज़ियाद जिनकी दुआए कुमैल है उनका मजार मुबारक, उनकी रूह से कसब फैज करते थे। तो आपने देखा कि उलमा किस तरह से बुजुर्ग उलमा के पास जाकर ये तमाम चीजें सीखते हैं। खैर, इमाम खुमैनी इनके पास गए और कहा कि आप मुझे कीमिया सिखाइए। 30 साल की उम्र थी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक शर्त पे तुम्हें कीमिया सिखा सकता हूं कि तुम्हारे हाथ में सारी ताकतें और पावर्स आ जाएं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक तुम जिंदा हो किसी को
अपनी पूरी जिंदगी में किसी को भी ये बात बताओगे नहीं। अच्छा, अगर हम होते तो क्या करते? जी जी बिल्कुल, मैं पक्का वादा करता हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप बताइए, पीछे लग जाते होंगे। इमाम खुमैनी ने कहा नहीं, मैं ये वादा आपसे नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं पता कि आइंदा जिंदगी में मेरे ईमान की क्या हालत होगी, मैं आपसे वादा नहीं करूंगा। हालांकि इतनी बड़ी बात को तैयार हो गए ऐसा अमल बताने पर, लेकिन इमाम खुमैनी ने कहा नहीं, इस शर्त के ऊपर मुझे कबूल नहीं, हो सकता है कभी मैं वादा खिलाफी कर जाऊं जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं। जब इमाम खुमैनी की शफाफियत देखी, 30 साल की फकत उम्र है, जवान आदमी थे, ये शफाफियत, ये सदाकत, ये सच्चाई जब उनकी देखी, इतनी पसंद आई कि कहा कि अब मैं तुम्हें कीनिया से भी बढ़कर एक चीज बताता हूं कि जिसको अगर तुम पाबंदी से अंजाम दो तो दुनिया और आखरत की हर कामयाबी तुम्हें मिलेगी, बल्कि दुनिया और आखरत की बादशाहत तुम्हारे कदमों तले आ जाएगी। और उसके बाद उन्होंने आयतुल्ला नखुदा की इस कहानी ने बाकायदा एक अमल, सिर्फ जो कि 5 मरहलों के ऊपर मुश्तमिल है, बहुत ही छोटा, जिसमें 3 आप रोजाना करती हैं लेकिन आपको उनका इदराक नहीं था इससे पहले कि ये कितनी खसूसियत की हामिल ये चीजें। ये आयतुल्ला नखुदी के पोते हैं, हाशमी खुरासानी, पोते या नवासे, ये आजकल जिंदा भी हैं, यानी वही शेख हसन अली नखुदी की इस्फहानी, यानी उलमा की एक बाकायदा सिलसिला होता है उनकी नस्लों में कि इल्म दीन जारी और सारी रहता। कहा कि पहली चीज तो ये कि हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद, इस पर तुम मुदावे मत करो। कितने इस तस्बीह के अंदर इसरार हैं, कितने इसके फजाइल हैं, क्या कुछ इसके इस तस्बीह के जरिए इंसान नहीं हासिल कर सकता। तस्बीह हजरत ज़हरा, अब तक लोग इसे बहुत सरसरी या खुद इसकी असर पजीरी इस वजह से भी बज़ाहिर कम महसूस होती, क्योंकि इसको करने वाला खुद ही इसको कोई खास अहमियत नहीं देता, बल्कि बस अपने एक रूटीन में उसने अपने रखा हुआ है, लेकिन दिल से कोई खास अहमियत नहीं। हर नमाज के बाद तस्बीह हजरत ज़हरा पर मुदावे मत, हमेशा करना, कभी एक दफा भी ना छूटने पर। दूसरी चीज, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत। बहुत से नुस्खों के अंदर ये जो अब उन्होंने ये जो वाकया कोट हुआ है और मुख्तलिफ किताबों के अंदर इसको बयान किया गया है, किसी किसी जगह के ऊपर ये बात भी मिली है कि आयतुल्ला नखुदकी ने जो ताकीद की थी उसमें वहुवल अलीउल अजीम तक पढ़ने के लिए आयतुल कुर्सी को कहा था, लेकिन अगर आप वहुवल अलीउल अजीम तक की नियत करें, उसके बाद तबरुकन हुमफिया खालिदून तक भी पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं। और इस आयतल कुर्सी के अंदर एक ऐसी जबरदस्त पावर है कि बहुत सी रिवायतों में यह बात आई है कि यह आपको हमेशा पढ़नी है हर नमाज के बाद। कहते हैं कि सिवाय सिद्दीक के कोई इस पर मुदावेमत नहीं कर सकता, यानी अगर अपना कोई मुकाम बुलंद करते हुए जाना है इन दुआओं के जरिए, तो हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत अपना मामूल बना लीजिए। मुदावेमत करनी है, हमेशा करना है, इसे छोड़ना नहीं। और सिद्दीक, जिसका बहुत ज्यादा मुकाम और मर्तबा रिवायात के अंदर बयान हुआ है कि इतने सिद्दीक का सवाब मिलेगा, खुद सोचिए कि वो सिद्दीक खुद इंसान बन सकता है अगर इसकी मुदावेमत कर ले। रिवायत में है कि सिवाय सिद्दीक के कोई आयतल कुर्सी को नमाज के बाद हमेशा नहीं पढ़ सकता, तो इसके जरिए भी इस मुकाम को हासिल कर सकते। उसके बाद कहा कि तीसरी चीज यह है कि 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत, 3 मरतबा हर नमाज के बाद। और उसके बाद है 3 मरतबा दुरूद पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। तो 3 मरतबा दुरूद पढ़ने के बाद, उसके बाद 3 मरतबा सूरे तलाक की दूसरी आयत का आखिरी जुज और तीसरी आयत मुकम्मल। दूसरी आयत सूरह तलाक की दूसरी आयत का आखिरी जुज, दूसरी आयत बड़ी है लेकिन आखिरी जुज वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा से शुरू होती है, वयरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अमरिही कद जअलल्लाह लिकुल्लि शैइन क़दरा। अच्छा, एक बात और अभी मैं बता दूं कि अभी आगे भी बहुत सारे आमाल और कुछ दुआएं और अज़कार आएंगे,
आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको हमने पहले ही से एक सफे के ऊपर वो तमाम दुआएं प्रिंट करवा के यहाँ पर रखवा दी हैं। हर शख्स खातून जो है जाते हुए नीचे से काउंटर से वो लेती हुई चली जाए, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। वैसे तो बता दीजिए कि सूरह तलाक की दूसरी आयत का आखिरी जुज और तीसरी आयत मुकम्मल, ये जो है कि चौथी चीज उन्होंने बताई, और ये कुछ भी नहीं, आपको दो चार दफा पढ़ेंगी तो जबानी याद भी हो जाएगी, वरना अपनी जायनमाज के अंदर बाकायदा वो पेपर भी आप रख लीजिएगा कि जहां पर ये आयतें लिखी हुई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए, खुद ये जो आयतें हैं दोनों, ये खुद इसके अंदर बहुत ही अजमत पोशीदा, बाकायदा हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी से जो रिवायत है कि पैगंबर इस्लाम ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कि पैगंबर फरमाते हैं कि मैं एक ऐसी आयत जानता हूं कि अगर लोग उस आयत के दामन से वाबस्ता हो जाएं तो उनकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएं। और उसके बाद पैगंबर ने इन दोनों आयतों की तिलावत की, यानी इतनी अहम तरीन आयतें हैं ये दोनों, दूसरी आयत के आखिर जो खासतौर पर, और पूरी दो दूसरी और तीसरी आयत भी पढ़ सकते हैं। कहा कि मैं एक ऐसी आयत को जानता हूं कि अगर लोग उसके दामन से वाबस्ता हो जाएं तो उनकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएं। और बाकायदा इसकी शान नजूल में जो कि मशहूर वाकया भी बयान किया जाता है कि पैगंबर के एक सहाबी थे औफ इब्ने मालिक, उनका बेटा काफिरों की कैद में चला गया था। अच्छा, ये बहुत ही गमजदा पैगंबर के पास आया और शिकायत की कि मेरा बेटा काफिरों की कैद में चला गया और मैं माली तंग दस्ती का भी इंतहा से ज्यादा शिकार। तो पैगंबर ने कहा तुम तकवा इख्तियार करो और इसके अलावा तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का बहुत ज्यादा विर्द किया करो। इस ये गए औफ इब्ने मालिक, और मुत्तकियों परहेजगार तो थे और ज्यादा सख्ती के साथ कारबंद हुए और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करना शुरू किया। अगले ही दिन उनका वो बेटा काफिरों का एक ऊंट लेकर भी अपने साथ आ गया कि जरा सा काफिरों की निगाह बची और वहां से फरार हुआ, तो ना सिर्फ ही कि वो बेटा इनको वापस मिल गया बल्कि अपने साथ वो कुछ उस जमाने में ऊंट एक बहुत बड़ी मिल्कियत और मालियत समझी जाती थी, वो ऊंट भी अपने साथ लेकर आ गया। और उसके बाद यही सूरह तलाक की ये दो आयात भी नाजिल हुई जो इसके शान नजूल में बयान की जाती है। तो इसके अंदर भी आप देखिए कि वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो भी तकवा इख्तियार करता है परवरदिगार उसके लिए निकलने का रास्ता जो है वो बना देता है और उसको ऐसी जगहों से रिस्क मिलता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता, और जो भी खुदा पर तवक्कुल करता है खुदा उसके लिए काफी हो जाता है। तो आपने ये देखा कि इसके अंदर जो खसूसियत के साथ जब रोजाना आप तीन तीन दफा शायद को पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा भी दिमाग में रखेंगी कि तकवे के जरिए कितने सारे काम हो जाते हैं, जिसको आप सुनती रहती हैं भाई गुनाहों से बचो गुनाहों से बचो गुनाहों से बचो, इन सब के आपको दुनियावी फायदे भी मिलने वाले हैं, रिस्क में आपकी वसत हो जाएगी, परेशानियां जो घरों का रुख कर लेती हैं, आप गुनाहों से इंसान उसको उसकी लज्जत को कभी हासिल करके देखे कि कितनी लज्जत उसको मिलेगी रूहानी तौर पर और सारी मुश्किलात और परेशानियां भी उसकी हल होती चली जाएंगी। और बाकायदा आयतुल्ला खोई से जब कोई लोग बहुत से सवाल पूछते थे तो मसलन किसी ने पूछा कि हम बैंक की नौकरी करते हैं किस तरह से हमारा और गुजर औकात का कोई और जरिया हमारे पास नहीं है, हम कहां कहीं और जॉब तलाश करते फिरेंगे और बैंक की नौकरी जो है सूदी शोबों के अंदर ये हराम भी है, तो कोई हल हमें बताइए। तो आयतुल्ला खुई अपने जवाब के अंदर फकत और फकत सूरह तलाक की ये दूसरी आयत का आखिरी हिस्सा लिखते थे, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, आप तकवा इख्तियार करें, हिम्मत पैदा करें, इस जो है हराम नौकरी से अपने आप को बचाएं, फिर देखें खुदा आपके लिए कैसे सहूलियत निकालता है। तो ये तमाम चीजें कि इतनी अहम हैं ये आयात, और खास तौर पर उन बच्चों के लिए उन नौजवानों के लिए, अक्सर वालिदैन को शिकायत होती कि अव्वल तो ये लोग नमाज ही नहीं पढ़ते हैं और अगर नमाज पढ़ते हैं तो ताकीबात वगैरह की तरफ कोई ध्यान नहीं है, तस्बीह हजरत जहरा की तरफ कोई ध्यान नहीं है, बस नमाज पढ़ी और फौरन सेकंडों के अंदर भाग गए। एक दफा अगर आप उनको एहसास दिलाकर बच्चों को अगर ये वाली चीज ये अमल सिखा दिया जाए आयतुल्ला नखुदगी का,
और वो इसको करने लगे तो इसके अंदर खुद एक बड़ी अजीब गरीब सलाहियत है, ये एडिक्टिव है। यानी उसके बाद जो भी आदमी इसको शुरू कर देता है वो उसको फिर छोड़ने का नाम नहीं लेता, उससे छूटता ही नहीं है। फिर अजीब गरीब इस जिक्र के अंदर एक ऐसी सलाहियत, ऐसा मैग्नेट है इसके अंदर कि वो छोड़ना भी चाहे तो इस अमल को फिर छोड़ नहीं सकता और सारी जिंदगी फिर उसको अंजाम देता। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर ये दो आयतों के ऊपर तुम मुदावेमत कर लो, दूसरी आयत का आखिरी जो सूरत अलाक का और आयत नंबर 3, तो कहा कि फिर तो ये कीमिया तो बहुत छोटी चीज है, दुनिया और आखरत की तमाम बादशाहत तुम्हारे कदमों तले जो है वो आ जाएगी। और उसके बाद फिर हमने खुद देखा कि इमाम खुमैनी ने 30 साल की उम्र से फिर ये अमल करना शुरू किया, और जब उनका इंतकाल हुआ तो वाकईतन हमने अपनी आंखों से देखा कि दुनिया और आखरत की बादशाहत किस तरह से इमाम खुमैनी के हाथों में आ गई। अच्छा, जब उन्होंने अमल करना शुरू किया तो इतनी जल्दी नताइज जाहिर हुए, तौफीकात के ऐसे खजाने मिले कि इमाम खुमैनी की जो मशहूर तरीन किताब है चहले हदीस, वो इमाम खुमैनी ने 30 साल की उम्र ही के अंदर लिख ली थी। इस अमल को शुरू करने के बहुत ही जल्द उन्होंने वो अजीम मारिकतुल आरा किताब लिखी जो आज बड़े बड़े उलमा उसके दर्श दिया करती है।